दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता आयम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। और अभी है दोपहर का समय है, तो बस अभी मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की हुई हूँ। तो अभी हम लोग ना चाची के यहाँ जाएँगे, चाची के यहाँ पूजा था कुछ का, तो अभी उन्हीं के यहाँ खाने के लिए बुलाए हैं और खाना वगैरह भी वही बनेगा हम लोग का सभी का। तो अभी जाएंगे वहीं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे ही बने रहिएगा, बस इसी लोग साथ जाएंगे। घर में आए हुए हैं और इधर सौरभ बैठा हुआ है जो मेरे को देख रहा है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। तो हेलो गाइस बोल दो थोड़ा सा, हेलो गाइस। इधर खाना मतलब बनेगा और बाकी दोस्तों चलते हैं अभी चाची के यहाँ। तो बन गई अभी हम चाची के घर और अभी खाना वाना बनाने का भी तैयारी चलेगा। बाकी इधर आ गए हैं आलू चोखा, अंधेला भी है, आलू चोखा खा रही है ऐसा। बाकी इधर अभी चलिए दिखाती हूँ। बोलो देख चाची। तो ये आलू चोखा मिल गया हम लोग को नाश्ता में। और इधर आशा खा रही, इधर सुशीला को मिला नहीं है। तो नाश्ता आलू छोका सुशीला के साथ में जा रहे हैं। बस यहाँ जो बगल पड़ोसी के हम लोग कल होली खेलने आए थे ना, वहीं तो सिलाई करती हैं, तो वो थोड़ा सा फिटिंग मतलब ढीला करवाऊँगी ब्लाउज़, क्योंकि यहाँ वाला जो छोड़ के जाती हूँ ब्लाउज़ ना होता नहीं अच्छे से, मतलब मोटी हो गई हूँ इस वजह से। तो देने के लिए आ गए हैं, उसके बाद जाएंगे चाची के यहाँ, फिर से खाना वगैरह बनाएंगे। नाश्ता वास्ता करके हम लोग इधर आ गए। बकरी चराने गई है। कौन बाबू? तो जा रहे हैं ब्लाउज दे के हम लोग, क्योंकि वो ना बकरी चराने गई हैं, सिलाई करती हो तो दे के चले जा रहे हैं, फिर बाकी फिर वो बना देंगी। तो दोस्तों अभी मैं ना खाना सब्जी पर बना रही हूँ। दोस्तों मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ, जो मेरा है मुझे खाना है। बाकी अपना जो है ना नॉनवेज वाले वो अलग से उधर बन रहा है साइड में। बाकी यहाँ पे खाना बन रहा था, अब खाना वगैरह बन गया है। और मैं पनीर खाती हूँ तो अपने लिए पनीर बना रही हूँ इधर चूल्हे में। खाना बनना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अंधेला है ना इधर, तो उस वजह से ज़्यादा। हाँ ये वाला लाइट है, इसमें रोशनी लग रहा है, पर सारा अपने अपने काम में लगे हुए हैं। बाकी मैं भी अपने में लगी हूँ पनीर बनाने में। बस मसाला वगैरह भुन जाएगा तो डालूंगी पनीर। और ना देखिए चूल्हे में बनाने से हालत ख़राब हो गया है, गर्मी से पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ। चूल्हा में खाना बनाना आसान नहीं है, और वैसे भी गर्मी के समय में हालत ख़राब हो रहा है। बस यहाँ से अभी सब्जी बनाई मैं ये, इसके बाद तो यहाँ से हटूँगी। इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना। सब्जी बनाना था, क्योंकि अभी गैस भी इनके यहाँ नहीं है ना चाची के यहाँ, तो इस वजह से चूल्हा में ही बनाना पड़ रहा है। बाकी अपने में जो जो बनाना ना था, उधर नॉनवेज वाले अपना जो भी है वो उधर साइड में बना रहे हैं बगल में। डाल दे ऊपर। तो दोस्तों मैं खाना वाना बनाने के बाद ना इधर आ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था इधर बैठने के लिए। बाकी बहुत अंधेला हो चुका है, रात हो चुका है, और खाना वाना खिला भी रहे हैं जो मेहमान थोड़े बहुत आए हुए उनको। और अब ठीक चलती हूँ मैं इधर। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। और इधर बच्चे लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं इधर। संजय का फिर ओ उधर लास्ट वाला है, वो भी संजय जी। बाकी इधर सारे हैं, फिश है, हाँ, और क्या बोलते हैं वो पनीर है, हाँ हाँ इधर पनीर जो, हाँ जो वेज खाता है उसके लिए वेज, बाकी उधर नॉन वेज वाले हैं, उधर मछली फछली जो भी है। इधर प्रीति जी, तो दोस्तों हम लोग चाची के यहाँ से ना खाना वाना खाने के बाद ना आ गए थे और काफ़ी रात भी हो गया था ना, इसलिए रात में ना मैं वहाँ चाची के यहाँ उतना ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो आज है दूसरा दिन, तो दूसरे दिन मैंने सोचा कि चलो कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो अभी जा रही थी मैं चाची के यहाँ, क्योंकि चाची के यहाँ ना मतलब उनकी बहू का मतलब गुड़िया हुई है, तो मैं ना छठी में बुलाए थे तो आ नहीं पाई थी, परी का पेपर चल रहा था इस वजह से। तो अभी आई हूँ होली मनाने के लिए, जब आई हूँ यहाँ तो सोच रही हूँ कि चाची के यहाँ मतलब जाऊँ और जो भी देना रहता ना छठी में तो लेके आए हैं, तो वही देने के लिए जा रही हूँ। अभी जब आई थी ना तो होली मनाने में ही लगी हुई थी, उसके बाद आज जा रही हूँ चाची के यहाँ, दे के आती हूँ बच्चे के लिए और उसकी मम्मी के लिए। ये लेके आए हुए हैं कपड़ा, तो वही पहुंचाने जा रही हूँ और मिलने भी जा रही हूँ। मिल के तो पहले ही आ गई थी, पर अभी जा रही हूँ। तो ऐसा ही बने रहेगा ब्लॉग में। सभी सो रहे हैं क्योंकि खाना ना खाया, उतना धूप है ना, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा धूप है, पर मैं चाह रही हूँ बस तो यहीं बगल में ही जाना है। चाची खाने आई थी तो गुड़िया को तो मैं देख के चली गई थी, बाकी दे नहीं थी, तो जा रही हूँ। हाँ अरे नहीं यार, नो समय परी पेपर रही था गुड़िया, अब आज तो धान सुखाए है। ढेर अभी पछोरिया चाची के हम धान उन सुखाए हैं। गुड़िया सो रही है, सो रही है। यार बहुत धूप लग रहा है, एकदम गर्मी हो लग रहा है। तो दोस्तों अभी चाची के यहाँ से ना मैं बहुत पहले ही होके मतलब आ गई थी, मतलब मिल के, और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। क्या बोला वह बोली क्या? अच्छा विश्वकर्मा योजना वाला फॉर्म अभी भरा रहा है ना वो मशीन वाला, हाँ अच्छा ख़त्म होने वाला है, तो बाकी ये लोग भर रहे हैं, दी लोग सुशीला लोग, तो उसके लिए फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। तो मैं भी जा रही हूँ साथ में, देख के आऊँगी मैं भी, देखती हूँ मैं भी कुछ कैसा है तो सोचूंगी। बाकी दी लोग तो भरेंगे ही, इधर अपना जो भी कागजात वगैरह पकड़ के जा रहे हैं। हाँ यहाँ कहाँ राशन कार्ड वही है, अंबिकापुर वाला ही है, वही वाला बना हम लोग का 10 रुपये वाला। और आधार कार्ड यहाँ का नहीं, आधार कार्ड यहाँ का नहीं है, तो आधार कार्ड अंबिकापुर भरा तो रहा होगा ना उधर भी, हाँ हर वो चीज में ना भरा रहा है। अच्छा हाँ पता कर लीजिए, हाँ हाँ सही बोल रही, हाँ अभी निकला है बहुत सारा, मतलब ये सब कुछ कुछ योजना निकल रहा है ना। किधर से जाना है? सीधा, अच्छा तो हम लोग खेत खेत होके जा रहे हैं। हवा भी बहुत चल रहा है, तो मैं भी सोची कि घूम के आ जाऊंगी करके जा रही हूँ। धूप भी बहुत है लेकिन गर्मी लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बने रहेगा ब्लॉग में। अभी देखते हैं कितना भीड़ है, क्या है वहाँ पे। वैसे अभी अब आखिरी है तो शायद ही कम ही होंगे, शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा भीड़ था बोल रहे हैं। तो ठीक है चलिए बने रहिए व्लॉग में। कहाँ है दोस्तों? हम लोग पहुँच गए हैं, बाकी उधर काम चल रहा है अंदर में, तो अभी हम लोग बाहर में ही बैठे हैं पेड़ के नीचे। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, हालत ख़राब हो गया है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। हाँ अंदर मतलब खाली होगा तो फिर अंदर जाएंगे, अंदर खाली होगा तो हम लोग जाएंगे अंदर। तो बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे और हवा भी नहीं चल रहा है। दीदी भरेगी ना, दी और सुशीला भी भरेगी। मैं देखने आई हूँ, पता मतलब करने, मेरा भी मन किया तो, बाकी अभी तो मैं नहीं भरूँगी। बाकी मैं देखूंगी क्योंकि यहाँ नहीं रहती हूँ ना, इसलिए ये तो मन है, यहाँ रहती तो साथ साथ में जाने से अच्छा लगता है ना, और अकेले में तो थोड़ा सा तो मज़ा नहीं आता है कुछ भी करने के लिए। यहाँ अब सामूहिक टाइप से है तो नदी सामूहिक वाला टाइप का। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा ब्लॉग में। बुलिया को पैसा नहीं, नहीं दे अभी है। अच्छा अच्छा तो दोस्तों हम लोग फॉर्म वगैरह भर के अब वहाँ से निकल गए थे। देखिए सुशीला का भर पाया, दीदी का नहीं भर पाया कुछ कमी के चलते, मतलब मोबाइल नंबर ना शायद जो है ना उसके चलते कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इसलिए दीदी का भराया नहीं। बाकी 2-3 दिन में भरा लेगी सुधरवा के, और सुशीला का भर लिए हैं, फिर भरवाए वहाँ, फिर आ गए हैं, पहुँच ही गए हैं घर। बहुत दूर गए थे चल के। तो दोस्तों हमारे यहाँ करेले की सब्जी बनेगी अभी। छोटे अपना जूता हटा, जूता हटा। और इधर झाजी चढ़ गए, झाजी नहीं, झाजी वाला नहीं बना, सिंपल वाला चावल। इधर लड़ाई चल रहा है दोनों भाई। अरे इधर खाना मतलब बनेगा। और बाकी हमारे यहाँ 12 आज दोपहर में बनाए थे 12 एंडर, मतलब एंडर बना हुआ है, इसलिए करेले की सब्जी बनेगी बस। बाकी सब्जी है, सुशीला करेला काट रही है। तो दोस्तों मैं किचन में बैठी हूँ और हमारी बोला क्या कर रहा है। इधर बच्चे खेलने आ गए हैं, इधर सुशीला करेला भून रही है बात करने के लिए, साथ में बात कर करके बना रही है सुशीला उधर, तो मैं इधर बैठी हूँ। तो इधर बच्चे खेल रहे हैं, ये दोनों खेल रहे हैं। उन लोग रात नहीं रहता, नहीं बैठते हैं लोग, है नहीं खेल रहे हैं। खाना बन गया हमारे यहाँ। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ, और मेरी व्लॉग वीडियो दोस्तों बहुत लेट जा रही है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि गांव में ना आइडिया का सिम चलता नहीं है, और जो मेरा सिम है ना वो आइडिया का है, इस वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है, और लॉन्ग वीडियो ना अपलोड नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो ये ना यही मुझे बताना था, इस वजह से ना मेरी व्लॉग वीडियो ना कंटिन्यू नहीं जा पा रही है दोस्तों, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी ब्लॉग वीडियो कंटिन्यू रोज़ जाए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मैं पूरी कोशिश करूँगी, और इसी के साथ ही आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।